सुंदरम। ये है प्यारा सा गाना जो इस बात को बताता है कि सत्य ही शिव हैं और शिव ही सत्य हैं। तो आज जो वीडियो है वो एक ऐसे नंबर के बारे में है जिन्हें हमेशा सत्य का साथ देना होगा, सच का साथ देना होगा, कुछ चीज़ों से दूर रहना होगा। जी हाँ, और इन्हें हम कहते हैं कार्मिक नंबर्स। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूरोलॉजिस्ट, पेरेंट काउंसलर और आपकी आज की होस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, बहुत सारा आभार और प्यार। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हमेशा ऊपर वाला आपकी इच्छाएं पूरी करे और आपको गुड लक देता रहे। तो बिना वेट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन नंबर्स के बारे में जिन्हें हम एक और कैटेगरी में रखते हैं, और इन नंबर्स को हम कार्मिक नंबर्स बुलाते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब होता है कर्मों का फल देने वाला नंबर। यानी कुछ ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो इन खास नंबरों पर पैदा हुए हैं, और इस वजह से उनकी जो लाइफ है वो कुछ अलग तरह से ही चलती है। सबसे पहले मैं नंबर्स को बता देती हूँ ताकि आपकी जो ये उत्सुकता है वो कम हो जाए। और इन नंबर्स में सबसे पहला नंबर आता है 10, दूसरा नंबर है 13, उसके बाद है 14, उसके बाद है 16 और लास्ट में आता है 19। इसमें से 10 को हम इस कैटेगरी से बाहर करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एक कार्मिक नंबर है, चूँकि इसमें शून्य लगा हुआ है। तो ऐसे लोग अपने पुराने कर्मों के सभी काम पूरे कर कर आए हैं। शायद उन्होंने वापस इस जन्म की उम्मीद की थी, इसलिए उन्हें ये दिन देखने को मिला, ये जन्म मिला है। तो दे आर इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन जब बात आती है 13, 14, 16 और 19 की, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं अगर आपका जन्म इन नंबरों पर हुआ है, या आपकी टोटल DOB ऐड होकर भी 13, 14, 16 या 19 पर आ जाती है, तो ये सभी लोग कार्मिक डेप्थ नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। और इन नंबर्स के बारे में सिर्फ जो एक बात मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ वो ये है कि ये लोग जो हैं अपने पुराने जन्मों के काम को पूरा करने इस जन्म में आए हैं। इन्होंने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई इनके लाइफ में, पीछे पास्ट लाइफ में, जिनको ये इस लाइफ में रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं इस विषय पर आपको क्या बताने वाली हूँ वो बता दूँ पहले। मैं इन सभी नंबर्स के बारे में आपको पहले एक एक करके बताऊँगी, चारों के बारे में, 13, 14, 16 और 19। साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि इनकी लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी रहती हैं, और कैसे इससे रिजॉल्व करें वो इस वीडियो में नहीं शामिल है। रेमेडीज़ के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं हर कार्मिक नंबर की रेमेडीज़ आपको अलग से बताऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 13 के बारे में। नंबर 13, अगर आप किसी मंथ की नंबर 13 को बॉर्न है तो आपने देखा होगा 13 नंबर के बारे में लोग सुनते ही काफ़ी घबरा जाते हैं, और 13 नंबर को के होटल रूम्स भी नहीं होते कई होटलों में, तो और कई जगह पे 13 नंबर को अवॉइड किया जाता है क्योंकि उससे लोग नेगेटिव मानते हैं, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, बट कुछ बातें इसमें ज़रूर सच हैं। ये नंबर जुड़कर राहु का नंबर बन जाता है, अगर आप 13 को ऐड करें तो 4 हो जाता है, जो राहु का नंबर भी है, यूरेनस का नंबर है। बट 13 जो है वो ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि बुद्धि तो बहुत है इनके पास, लेकिन काम पूरे नहीं कर पाते, इनकम्प्लीट वर्क रहते हैं इनके, ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो इनकम्प्लीट में रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, काम शुरू करने तो जाते हैं लेकिन उनसे आखिरी रूप नहीं दे पाते। बहुत ही स्कैटर्ड माइंड होते हैं, स्कैटर्ड मतलब इनको काम में बहुत सारी टेल्स आ जाती हैं, बहुत सारी डेविएशंस आ जाती हैं, इसलिए इनको काम करने में काफ़ी परेशानी आती है। एक इनडिसिप्लिन लाइफ भी जीते हैं, चाहते हैं डिसिप्लिन लाइफ जीना लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि 1 और 3 यानी सूर्य और बृहस्पति दोनों आ गए तो यहाँ पर उन दोनों में टसल शुरू हो जाती है। और काफ़ी सारा इनको देखेंगे आप विदाउट रूटीन जी रहे हैं, किसी बात को प्रॉमिस करेंगे बट वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे, ये सारी स्ट्रगल जो इनके साथ अक्सर बनी रहती हैं, इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में, परेशानी में रहते हैं। इसकी रेमेडीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए भी हेल्प ले सकते हैं।
अब बात करते हैं अगले नंबर है 14 की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में डिसलॉयल्टी शो की होती है, यानी किसी पार्टनर को या अपने कंपैटिबल पर्सन को जो बहुत उनके साथ अच्छे होते हैं उनको ठगा होता है, या उनके साथ कभी ऐसी कोई गलती कर दी होती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, साथ में अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया होता है। वैसे लोगों का जन्म 14 तारीख को हो जाता है और 14 तारीख को होने के बाद उन्हें इस जन्म में भी इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को देखेंगे उन्हें कोई सेक्शुअल ऑफर्स मिल जाते हैं या कुछ कोई ऐसी एडिक्शन उनके साथ जुड़ जाती है जो उनकी लाइफ में उन्हें किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है। लॉयल्टी भी उनमें कम होती है, यानी लॉयल्टी कभी ना कभी उनको भंग करने के काफ़ी मौके मिलते हैं, तो ये चीज़ भी उन्हें ध्यान रखनी है। कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं और हेल्थ कह लीजिए, मेंटल और जो इमोशंस, हार्ट और ब्रेन, उनको वो जो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और जल्दी लोगों पर बिलीव करके किसी न किसी मुसीबत में घिर जाते हैं। तो 14 नंबर वाले लोगों के साथ या 14 नंबर वाले लोगों के साथ ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, तो वो इससे बचें और इसकी रेमेडीज के लिए आगे किसी वीडियो में मैं बात करूँगी। अगला नंबर है 16 नंबर। 16 नंबर जो है वो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, यानी सूर्य के साथ शुक्र आ जाते हैं, तो ये लोगों के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कितनी भी कोशिश करें मुश्किलें कम ही नहीं होती, एक बार ऊपर जाता है ग्राफ फिर नीचे आ जाता है, काफ़ी मेहनत करके ऊपर जाते हैं फिर अचानक सब कुछ ड्रॉप हो जाता है, ऐसी देखने को द्वंद्व सी दिखती है इनके जीवन में। फैमिली और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या किसी भी चीज़ों को बैलेंस ना कर पाने की जो चीज़ होती है वो इनमें दिखाई देगी आपको। उन्हें सभी कहेंगे इसे बैलेंस करो, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपको भी उनकी मदद करनी होगी। तो 16 नंबर वाले लोगों की सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, लव अफेयर्स और फैमिली को नहीं मैनेज कर पाते समटाइम्स, या फिनांसिस और अपने खर्चों को भी मैनेज नहीं कर पाते। तो मिस मैनेजमेंट जो वो एक वर्ड इस नंबर के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उनके कार्मिक डेप्थ होते हैं और कार्मिक डेप्थ का मतलब है पूर्व जन्मों में की गई कुछ ऐसी गलतियाँ जो उन्हें यहाँ चुकानी होती है। अब आखिरी में बात करते हैं नंबर 19 के बारे में, 19 के बारे में। इस नंबर में सूर्य भी है और मंगल भी, एक पहला नंबर है और एक आखिरी नंबर, आगाज़ और अंजाम दोनों साथ हैं, तो ऐसे में ऐसा इंसान काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, बहुत सिल्वर स्पून के साथ पैदा होता है वो, उसकी लाइफ ऐसे बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनकी एक आदत होती है, ये लोगों को बहुत इम्पोज करते हैं, इम्पोजिंग नेचर होता है और हमेशा चाहेंगे कि वो उनके हिसाब से दुनिया चले, और जब ऐसा नहीं होता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत गुस्सा दिखाते हैं। तो इनको मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों में बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी बुराई बस यही है कि ये बहुत ही डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंस इनकी वर्ड में आप ऐड कर लीजिए, इस नंबर के साथ ऐड कर लीजिए, डोमिनेटिंग होंगे, अथॉरिटी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कई बार गलत रास्ता भी बना लेते हैं दबाने के लिए लोगों को, उनको दबाव में रखने की कोशिश करते हैं, परिवार में हो या प्रोफेशनल फील्ड में हो, हर जगह पर इनमें ये कॉमन चीज़ देखी जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दुनिया इनके अनुसार चले, और ये सोच इन्हें भी परेशान करती है, साथ में इनके साथ रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशान करती है। तो चलिए कंक्लूड कर देती हूँ एक बार कि क्या ये सभी नंबर ख़राब हैं, क्या मैं इनके अगेंस्ट में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जनरली कभी भी नेगेटिव बात नहीं करती हूँ अपने वीडियोज़ में, जिसके लिए भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो अच्छा ही अच्छा बताती हो, क्योंकि अच्छा बताना भी चाहिए। न्यूमरोलॉजी जो सबसे पहली चीज़ हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि आप लोगों को उनकी बेस्ट चीज़ें बताएं, उनका बेस्ट वर्जन बनने में उनकी मदद करें, और साथ में उनको हमेशा शुद्ध मन से प्रेरणा देते रहें, ना कि उन्हें कोई ऐसी डराने वाली बात बता दें जिससे उनकी लाइफ में और मुश्किलें बढ़ जाएं। पर मैं ये सिर्फ हिदायत के तौर पे आपको बता रही हूँ कि ये जो कार्मिक नंबर्स हैं 13, 14, 16 और 19, इन चारों नंबर्स के लोगों को ये खास समस्याएं देखने को मिलती हैं, बाकी लोगों को मिलती हैं मगर इस लेवल की नहीं जितनी इनको मिलती है, और इन्हें इससे बाहर आने के लिए कुछ रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। उन रेमेडीज़ के लिए मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी, पर अगर आप इस सारी परेशानी से जूझ रहे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और साथ चाहें तो मुझसे पर्सनल प्रोडिक्शन में हेल्प ले सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। यूट्यूब के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में अपने बारे में डिटेल डालते हैं, मगर मैं मना करूँगी डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ एक बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको इस तरह से सभी के सामने मत रखिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो जब भी कभी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, और इस तरह से ओपनली अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार बांटें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए चाहूँगी अब अलविदा।